हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और आज मेरे बच्चों ने फरमाइश की है कि हमें गुड़ की टिकियाँ बना के दें, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने ये 1 किलो गुड़ ले लिया है और 2 किलो मैंने ये गंदम का आटा ले लिया है, 4 चम्मच मैंने ये घी मेल्ट कर लिया है और ये तिल ले लिए हैं, ये मैंने 5 चम्मच लिए हैं। ये मैं हाफ डालूँगी, ये हाफ तिल मैं इसमें डाल रही हूँ और हाफ में रख रही हूँ। और ये मैंने कुछ मिल्क ले लिया है, ये डाल दूंगी इसमें। ये मैंने नारियल ले लिया है, ये 5 चम्मच है, ये इसमें डाल दूंगी। ये पूरा इसमें डाल के मैं मिक्स कर लूंगी हाथ से। ये घी जो है ये मैंने मेल्ट कर लिया है, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। 4 से 5 चम्मच आप इसमें शामिल कर लें तो इसके साथ, और जो ड्राई मिल्क है उसके साथ ये खस्ता बनते हैं, इस वजह से वो मैंने इसमें डाला है। ये गुड़ जो है ये मैं इस कढ़ाई में डाल रही हूँ और 1/2 किलो मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। इसको मैंने चूल्हे पे पकाना है, ये पक जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये 4 अदद मैंने इलायची, ये मैंने थोड़ी सी कूट ली है, ये डाल दी है। अभी मैं इसे चूल्हे पे चढ़ा रही हूँ। अभी मैं आटे में अच्छी तरह ये घी और तिल वगैरह अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इस तरह 5 मिनट इसे मैंने मिक्स करना है, फिर आपको दिखाते हैं। 10 मिनट के लिए मैंने गुड़ को पका लिया है, अभी इसे इस तरह छान लेती हूँ। ऐसा ऐसा छानना है कि नीचे मिट्टी वगैरह जो है वो नीचे रह जाए। अब ये देखिए मैंने छान लिया है इसको और अभी मैं आटा गूंदने लगी हूँ। इसमें थोड़ा थोड़ा शीरा डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। ये शीरा बच गया है और ये मैंने 5 मिनट के लिए ये मसल मसल के मैंने गूंद लिया है। अभी 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसे सेट होने के लिए रख दूंगी। इसके ऊपर कपड़ा लगा के अभी मैं रख देती हूँ। ये इसको मैंने बॉल में ट्रांसफर कर दिया है, अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। आटा सेट हो चुका है, 10 मिनट मैंने फ्रिज में रखा था, तो अभी मैं इसकी टिकिया बना के आप लोग को दिखाती हूँ। इसको बस इतना इतना लेते जाएं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, इस तरह पेड़ा बनाएं। ज़्यादा सफाई की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इसे ऑयल लगाएं। थोड़ा सा मैं इधर भी लगा देती हूँ ऑयल। और ये बेलना जो है इस पे भी ऑयल लगा दिया है। बस ज्यादा पतली भी नहीं करनी, ये टिकिया इस तरह मैंने बना ली है, लेकिन इस तरह थोड़े से तेल ऊपर डालें, दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। और थोड़ा सा ये बेलना चला लें तो ये अंदर इसके चले जाते हैं। अभी कोई सा भी कटर ले लें जो आपके पसंद का हो, थोड़ा सा ऑयल लें, इस तरह ऑयल लगा लें, फिर इसको इस तरह कटिंग कर लेना। इस तरह जितने इसमें बने इतने ये बना लें। ये इसकी थिकनेस देख लें, ये इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए।
ये कटहल लें तो इसके साथ थोड़े खूबसूरत हो जाते हैं, बच्चे भी शौक से खाते हैं। इस तरह काट लें, ऐसा गिलास भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया है। इसके साथ भी इस तरह करके काट सकते हैं। इसमें कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो मुख्तलिफ आप काट सकते हैं, आराम से ये कट जाते हैं। इसमें मैंने पहले ऑयल लगा लिया है, अभी इस तरह इसमें रखती जाऊंगी पूरे बना के, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कुछ टिक्कियाँ इस तरह तैयार कर ली हैं, और अभी ये मैं ऑयल दिखाती हूँ। ये मैंने 1 पाव इसमें घी डाला है और 3 पाव मैंने ऑयल डाला है। अब ये गर्म हो जाता है तो फिर आपको दिखाऊंगी। ऑयल गर्म हो चुका है, उसमें मैं अभी टिक्कियाँ इस तरह एक एक करके डाल रही हूँ, और चूल्हे की आंच जो है वो मीडियम ही रखनी है। अगर इसे तेज करेंगे तो आपकी टिक्कियां जल सकती हैं। दो से तीन दफा इनकी साइड चेंज करें, इनको क्रिस्पी बनाना है। जितनी क्रिस्पी होंगी उतनी ही ये मजेदार होंगी। 4 से 5 मिनट के लिए बस हल्की आंच पे इन्हें पकाना है। ये देखिए, ये पहले हमने डाली थी ये पक चुकी हैं। ये इनका कितना प्यारा कलर आया है, ये निकाल लेती हूँ। फिर ऐसा ऐसा जो पकती जाएगी उसको मैं निकालती जाऊँगी। ये पूरी तल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस इनका यही कलर गोल्डन कलर आना चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। ये टिक्कियाँ आप अगर बना के रखना चाहते हैं तो 3-4 महीने के लिए बना के रख सकते हैं। इस तरह एयर टाइट जार में रखें, कोई फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आप कहीं भी रख सकते हैं, गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, ये आराम से आप बच्चों को खिला सकते हैं, खुद जब दिल चाहता है तो खा सकते हैं। मज़ेदार गुड़ की टिक्कियाँ तैयार हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।